हेलो 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 कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों और कैसा लग रहा है हमारे साथ एक्सपीरियंस पहले ये बताओ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा आई कैन सी स्माइल है चेहरे पे तो डेफिनेटली मज़ा आ ही रहा है तो मैं डॉक्टर विकास विजय अकाउंट्स गुरु ऑथर ऑफ टुगेदर विद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज इंटरनेशनल ऑथर मोटिवेशन स्पीकर सक्सेस कोच एंड फाउंडर एंड सीईओ फुल मार्क्स आप आई होप ये अब आप जान चुके होंगे कि फुल मार्क्स क्या चीज है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो रिसर्च में बिलीव करता है और टेस्टिंग में आपके लिए काम कर रहा है 24 फोर आवर्स एलॉन्ग विद माई रचना सागर कंपनी पब्लिशर्स ऑफ टुगेदर विद तो बच्चों जैसा कि टाइटल में आप देख रहे हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा मैंने कहा था लास्ट वीडियो में अगर आपने लेगेसीज वाला वीडियो नहीं देखा कि लेगेसीज को क्या माने कैपिटल रिसिप्ट माने रेवेन्यू रिसिप माने तो मैंने एक वीडियो आपके लिए लेके आया था उसका नाम था लेगेसीज को पता चल गया अपना न्यू ट्रीटमेंट और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा आप जरूर देखिएगा कि सीबीएसई में अगर आप वन मार्क नहीं खोना चाहते या तीन मार्क का क्वेश्चन खराब नहीं करना चाहते या हो सकता है वो लेगेसी सिक्स मार्क्स में भी आ सकता है तो वो ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए वो ट्रीटमेंट क्या थी जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स है वो ट्रीटमेंट आपने इस बार करनी है बट सिर्फ इसी साल नॉट इन द कॉलेज सेम वे आज की वीडियो में भी एक बहुत बड़ा खुलासा है बहुत बड़ी ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं बहुत बड़ा सोल्यूशन दे रहा हूं आपकी क्वेरी का ये क्वेरी जो पूरे साल हमसे अभी तक लोग पूछते जा रहे हैं बच्चे बड़ा पूछते हैं मेरे फ्रेंड्स मेरे कुलीस की क्वेरी आती है तो वो है एंट्रेंस फीस को कैसे ट्रीट करें बोर्ड एग्जाम में क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक्स यानी बाइबल यानी गीता में कुछ और लिखा है और जो हमारा सीबीएसई है कोर्स िकुलम है सीबीएसई का जो मेंशन है कि आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है वो कुछ हो रहा है तो चलिए बारी बारी से दोनों देखते हैं और फिर देखते हैं हमें अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम में क्या करना है इट तो चलिए आइए मेरे साथ और उसके लिए मैं लेके चलता हूं आपको हमारी गीता पब्लिशिंग गीता मतलब गीता आंटी नहीं हमारी जो बुक है एनसीआरटी बुक है उसमें लेके चलते हैं और वो भी मैं लेके चलूंगा आपको 2019 हजार बीस का एडिशन यानी लास्ट ईयर जो आपके सीनियर्स ने पढ़ा था मेरा यह मानना है कि आपको हमेशा एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए एंड वही मैं डिस्क्लेमर हमेशा बोलता हूं देखिए बीइंग एन ऑथर मैं एनसीईआरटी प्रमोट करता हूं बहुत कम ऑथर आपने होंगे कि बुक्स जो लिख रहा हूं फिर भी मैं कह रहा हूं एनसीआरटी आपको पढ़नी चाहिए क्यों क्योंकि हम सच के साथ हैं सही चीज़ के साथ हैं कि आपके लिए जो बेनिफिट है बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे अच्छे आ है सकते हैं वो डायरेक्शन हम आपको दे सकते हैं आपके टीचर्स आपके ट्यूटर्स और बहुत से मेरे फ्रेंड जो यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आपको ट्रेन करने के लिए बट मैं अपने इस पच्चीस सालों की एक्सपर्टीज से ये बता सकता हूं कि बोर्ड में मार्क्स कैसे ना खोएं अभी इस साल जो पांच मार्च को पेपर हुआ दो स्टूडेंट्स के मार्क्स 98 98 आए रीजन क्या रहा उनके भी इस जगह मार्क्स कट गए जो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा नहीं सुना कि सी क्या चाहती है तो डिस्क्लेमर यही है कि सी और एनसीआरटी मेरी दोनों ही रिस्पेक्टेबल बॉडीज हैं एंड सिंस आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू रिगार्ड है ड्यू रिस्पेक्ट है, है तो ये वीडियो सिर्फ क्लैरिटी के लिए है कोई इसका गलत या दूसरा मीनिंग ना निकाले बिकॉज सिंस वी आर लाइक अ फैमिली तो जस्ट क्लैरिटी दे रहा हूं कंफ्यूजन को खत्म कर रहा हूं तो चलिए 19-20 में क्या हालात थे एंट्रेंस फीस के देखते हैं हालात क्या थे वहां मैंने आपको लेगेसीज़ में करण की स्टोरी सुनाई थी कि, कि करण को लगता था अपनी असली माँ राधे मा है बट बाद में पता लगा कुंती मां है ऐसे ही एंट्रेंस फीस को दो हजार तक Uh, अपने अपने बारे में दो एजम्शंस थी वो दो एजम्शन क्या थी पहले मैं बता दूं फिर पढ़ेंगे लाइन टू लाइन पहली एजम्पन ये थी कि अगर मैं किसी क्लब यानी कोई क्लब मुझे रिसीव कर रहा है या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मुझे रिसीव कर रही है तो मुझे इसको मानना है वन टाइम रिसिप्ट वन टाइम रिसिप्ट मतलब नॉन रेकरिंग यानी कि कैपिटल रिसिप्ट मैंने तीन बातें हमेशा बोलता हूं रेवेन्यू कैपिटल के लिए चेक करो क्या वो है नॉन रिक्रिंग है कई एक्सपर्ट कहते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए बट डेफिनेटली ये पार्ट है दूसरा क्या उसकी अमाउंट हाई है या लो है ये भी कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं ये भी बात गलत है बट हमारी गीता कहती है तीसरी बात क्या है कि क्या वो स्पेसिफिक यूज के लिए या जनरल यूज के लिए ये तीनों बातों में जो भी एक पॉइंट आपका गिवन हो उसके बेस पर आप पता लगा सकते हैं तो यहां पर लिखा है यहां पर एक लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ आइए जुड़िए मेरे साथ और देखिए क्या कहता है उन्नीस बीस अच्छा आप देखना चाहेंगे पहले तो पेज नंबर भी देखना चाहेंगे ट्वेंटी सिक्स पेज नंबर है जो हमने लेगीसीज भी इसी पेज से पढ़ाया था और आपको ये एडिशन है हमारा 2019-20 का यानी जो मैं बात कर रहा हूं फैक्ट्स के बेस पे बात कर रहा हूं हमारे इस चैनल पे हवा में कोई बात नहीं होगी कोई ड्रामा कोई कुछ नहीं सिर्फ ज्ञान नहीं बट मार्क्स मैं हमेशा पूछता हूं क्या आप लर्न कर रहे हैं आर यू लर्निंग और यू आर ट्रांसफॉर्मिंग यहां इस चैनल चैनल पे आप ट्रांसफॉर्म होंगे आपकी परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्म होगी ये मेरा आपको चैलेंज है मेरा प्रॉमिस है आपको फाइन तो देखिए पहली चीज यहां पे लिखी है एडमिशन फीस इज पेड ओनली वंस देखिए यहां पर वो वंस का मतलब कहना चाह रहा है ये नॉन रेकरिंग है यानी मेंबर एक बार देते हैं जब वो मेंबर बनते हैं अगर यह क्लब है, है या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इनकी ये लिमिटेड है और अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस क्वाइट हाई देखो दो बातें कह दी है एक तो कह दिया नॉन रेकरिंग यानी मेरी दोनों बातों को सपोर्ट कर रहा है जो मैं कह रहा हूं कब से आपके साथ और दूसरा अमाउंट भी कह रहा है क्वाइट हाई यानी अमाउंट का हाई छोटा होना भी कंसिडर होता है इट इज एज नॉन रेकरिंग एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली टू जनरल फंड या कैपिटल फंड तो भाई साहब ये तो बात आ गई पॉइंट नंबर वन नोट कर लो ठीक है जी कॉन्सेप्ट है नोट कर लो कोई दिक्कत नहीं है दो हजार उन्नीस बीस में एंट्रेंस uh, फीस को ऐसा लगता था हाउ एवर कहानी में ट्विस्ट देखना क्योंकि अभी कुछ बात है राज की बात है बहुत बड़ा खुलासा है, However, like like schools, जो, uh, है, है वो एंट्रेंस फी उनके लिए रेगुलर इनकम होती है किसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए मैं नहीं कह रहा ये हमारी ऑफिशियल बुक uh, कह रही है गीता कह रही है हमारा बाइबल कह रहा है एंड द अमाउंट इनवॉल्व में स्मॉल बात भी आ गई कि स्मॉल भी है और रेगुलर भी है रेगुलर माना रेकरिंग है मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए रेकरिंग है और ये स्मॉल अमाउंट है इन देयर केस इट इज कस्टमरी टू ट्रीट एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट तो भाई साहब आप देख लीजिए दो बातें ध्यान से और थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि तकलीफ ना हो आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी है और कैपिटल रिसिप्ट भी है यानी उसको कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं लेकिन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल फंड में ऐड होगा जो क्लब है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है यानी चैरिटेबल हॉस्पिटल और आपने कोई रिलीजियस uh, रखे हैं उसके लिए लेकिन अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो इसको हम छोटी अमाउंट मानते हैं बहुत amount, uh, बहुत छोटी अमाउंट गवर्नमेंट फीस बहुत गवर्नमेंट uh, स्कूल में फीस बहुत कम होती है तो वो उसको छोटी छोटी अमाउंट मानते हैं बिकॉज मेन काम तो उनको गवर्नमेंट एड से चलता है फीस से नहीं चलता मेन ज्यादा काम इसलिए इनकी रेवेन्यू रिसिप्ट है हाउ तीसरा ट्विस्ट देखो दूसरा ट्विस्ट तो ये आ गया दूसरा

तो ये तो है 2019-20 में जो एंट्रेंस फीस को ज्ञान प्राप्त था अपने बारे में बट दो हजार वैसे ही ये साल बड़ा स्पेशल है कोविड 19 से भरा है तो बहुत सारे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं इस साल में तो इस साल एंट्रेंस फीस को क्या सत्य का ज्ञान हुआ कंपेयर करेंगे अगेन गीता बाइबल हमारी एनसीआरटी बुक से उन्होंने क्या लिखा इस साल पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे ध्यान से पढ़ना फिर दोनों पेज को मैं कंपेयर कराऊंगा और फिर बताऊंगा सीबीएसई क्या चाहती है मैं हमेशा कहता हूं सीबीएसई मम्मी है और एनसीईआरटी पापा है इस पॉइंट पे मम्मी पापा का क्या वर्जन है ये बताना चाहूंगा तो चलते हैं पहले दो हजार बीस इक्कीस की एनसीईआरटी बुक ये रही आपके सामने इसके अंदर अगर आप एंट्रेंस फी पढ़ेंगे तो यहां से एंट्रेंस फी स्टार्ट होता है देखिए ध्यान से पढ़िए एंट्रेंस फीस इज नोन एज एडमिशन फी ठीक है बिल्कुल सही बात है सारी बात वही है जो वहां पर थी ठीक है तो एडमिशन फी हो गया पेड ओनली वंस वहां भी यही बात लिखी थी पेड ओनली वंस फॉर बिकमिंग एंड वही बात लिखी है कि क्लब अगर रिसीव करता है और अगर चैरिटेबल रिसीव करती है तो इसको क्वाइट हाई होता है तो इसलिए इसको डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर दो यानी इसको कैपिटलशिप मान लो यानी अभी वो हाव नहीं दिख रहे दो हावेवर जो लास्ट ईयर थे दिस इज माय पॉइंट दिस इज वाई दिस वीडियोज आर मेंट फॉर यू फॉर माई स्टूडेंट्स एंड फॉर माई टीचर दे शुड नो एंड दिस इज द रिसर्च वी डू दिस इज द फुल मार्क्स माई रिसर्च एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज डूइंग फॉर यू देखिए भाई साहब बॉर्डर पर सिपाही हमारे लिए काम कर रहे हैं हम सेफ हैं बट एजुकेशन अकाउंटेंसी या कॉमर्स सब्जेक्ट्स को लेके मैं आपके साथ हूं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं जहां जहां दिक्कत आ रही है जहां जहां क्वेरी आ रही है जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है इतनी क्लैरिटी के साथ आपको वीडियो दूंगा कि उस डाउट की नेचुरल डेथ हो जाएगी बट रिक्वेस्ट करता हूं फिर दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पे मत पूछेगा वो डाउट क्योंकि ये वीडियो है आपके पास वीडियो खोलिए थोड़ा सा एफर्ट कीजिए और एफर्ट क्या करना पड़ता है अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो ना मिस हो तो इसको लाइक कीजिए ताकि आपके इनबॉक्स में चली जाए हमेशा के लिए थम्सअप कीजिए थम्स डाउन वाले नो यू आर नॉट वेलकम वेलकम है आप सजेशन देके जाइए और सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए स्प्रेड कीजिए कमेंट्स लिखिए ताकि हम भी बच्चों की तरह मोटिवेट फील करते हैं अच्छी बातें सुनके। यानी ये 2020, आप कहेंगे सर ये तो क्या प्रूफ है 2020 21 की एनसीआरटी है पेज नंबर 26 ये बिल्कुल सामने हाईलाइट कर दिया आपके सामने दोबारा हाईलाइट कर देते हैं पेज 26 और अब आप देखना चाहेंगे ऐसा एडिशन भी दिखा दीजिए कौन सा एडिशन है बिल्कुल एडिशन दिखा देते हैं ये दो हज़ार बीस इक्कीस मेरी बुक नहीं है आ, ये है हमारी ऑफिशियल बॉडी जिनका मैं बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट करता हूँ बट ये वीडियो सिर्फ क्लैरिटी के लिए एंड नथिंग एल्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों बुक्स पढ़ के बिकॉज मैं ट्रेवल करता हूँ अक्रॉस द ग्लोब

आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा और अलग से हाईलाइट कर दूं यहां से हावेवर स्टार्ट होता है देखिए ये हावेवर था दो हावेवर थे ये दोनों हावेवर गायब हो गए दो हजार के अंदर यानी अपनी बात उनको अच्छी नहीं लगी इस बार किसको चेंज करते हैं तो चेंज कर दिया अब 2021 -20 के हिसाब से एनसीआरटी में एंट्रेंस फीस को सिर्फ और सिर्फ क्या मानेंगे कैपिटल यानी यहां पे कैपिटल था बट यहां पे रेवेन्यू ऑप्शन सेकंड ऑप्शन रेवेन्यू दी गई थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए रेवेन्यू मान लेते हैं यानी अब ये कहते हैं नहीं सभी के लिए कैपिटल है आई होप ये आपको पापा की बात समझ आ गई पापा मतलब एनसीआर क्या जानना चाहेंगे मम्मी क्या कहती है तो ये तो दोनों बातें आपको समझ आ गई दोबारा दिखा रहा हूं ये अगेन मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको कि फर्स्ट है सेकेंड पोर्शन हावेर के बाद नहीं एनसीआर से गायब हो चुका है सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है इसलिए वो हटा दिया गया बट क्या यह ज्ञान क्या यह सत्य की खोज सीबीएसई मानती है क्या सीबीएसई कहती है कि मैं इसको मान रही हूं और यहां पर मम्मी की चल रही है कुछ घर में मम्मी की चलती है या कुछ जगह पे मम्मी की चलती है कुछ जगह पे पापा की चलती है तो लेगेसीज में मम्मी पापा दोनों सहमत है बट यहां पर मम्मी अलग कह रही है यानी सीबीएसई अलग कह रही है यानी अगर आपने वो किया जो एनसीआर में लिखा है यू विल गेट बिग अंडा यू विल गेट जीरो आपके शक्ल बन गई है मुझे पता है कुछ बच्चों के हार्ट बीट चेंज हो गई ये क्या कह रहे हैं सर मैं देखिए मैं कुछ गलत नहीं कह रहा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा अगर आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपके सामने मैंने फैक्ट्स एंड प्रूफ दे दिए हैं और अब मम्मी क्या कहती है उसका भी प्रूफ दे रहा हूँ और वो प्रूफ आपके सामने है अगर दिख रहा है थोड़ा छोटा तो कर देते हैं इसको थोड़ा मोटा क्या राइमिंग थी वाह ये क्या है ना लास्ट ईयर हमने बूट कैंप लिया था उस बूट कैम्प में हमने रैप सॉन्ग्स बनाए थे ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की थी और उस रैप सॉन्ग्स को देख के सीबीएसई को इतने अच्छे लगे दूर दूर तक स्प्रेड की हमने इसको कि वो आर्ट इंटीग्रेशन के नाम से इस साल इंट्रोड्यूस हो गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारे इनिशिएटिव थे पोएम सॉन्ग्स इन अकाउंटेंसी वो बहुत अच्छा लगा और उसको अब हमने नाम आर्ट इंटीग्रेशन दे दिया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और अपने नए नए रैप्स आपको सुनाऊंगा अभी आने वाले टाइम में और आपको बहुत अच्छे लगेंगे तो देखते हैं मम्मी की बात क्या कहती है मम्मी इस टाइम पर मम्मी कहती है देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड देखिए मम्मी क्या कहती है मम्मी कहती है बड़े प्यार से बेटा देखो सुन लो पापा जो मर्जी बोले पापा तो ना बोलते रहते हैं। होता है ना कई बार मम्मी घर में होती है तेरे पापा तो ना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमेशा मेरे को तो वाइफ ही कहती है आप बच्चों को कुछ कहते नहीं हो बिगाड़ रखा आपने देखो कभी ये मांगता है वो मांगता है आप ला दे पापा का काम बेचारा सुनने का होता है तो यहाँ पर मम्मी बड़ी स्ट्रांग है क्या कहती है मम्मी बेटा बात सुन लो कान सुन लो पापा कुछ भी बोले तुम्हें मेरी बात माननी है तुम्हें कसम है मेरी बात माननी है क्या कसम माननी है एंट्रेंस फी और एडमिशन फी आर एंड सॉरी एंड एंट्रेंस फी एडमिशन फी एंड जनरल डोनेशन आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू टीटेड अगर दिख रहा है तो बता दो नहीं दिख रहा तो बता दो दोनों सिचुएशन में मैं आपको बता सकता हूं और बड़ा करके बहुत सुंदर हो गया अब तो बहुत सुंदर हो गया अब तो दिख रहा होगा अरे भाई साहब आप कहां जा रहे हैं हाँ यहीं रहिए इंपॉर्टेंट है बच्चे वेट कर रहे हैं टीचर्स वेट कर रहे हैं इस पॉइंट पॉइंट का नंबर सेकंड स्कोप में पढ़िए और ये मैं बता दूं सिलेबस ये मेरा नहीं है कहीं आप सोचे सर ने खुद ही बना लिया ये भाई सब सी का इशू किया हुआ है कोड नंबर फिफ्टी फाइव बारह क्लास ट्वेल्व दो हजार बीस इक्कीस साल की बात करूं कि इस साल क्या करना है आपने वो बता रहा हूं तो दो हजार बीस इक्कीस में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये और ये यहां आ गया पॉइंट एनपीओ का कि क्या क्या करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इनकम एक्सपेंडिचर फीचर्स ये सब आपकी किताब में आप अपने बुक का फर्स्ट पेज खोल लीजिए जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं जो भी आपके पास बुक है अभी जल्दी निकालो मैं होल्ड कर रहा हूं होल्ड करो जल्दी निकालो अकाउंटेंसी बुक और ये पहला पेज अपनी बुक में निकालो जहां सिलेबस लिखा है और जहां सिलेबस लिखा है वहां आके सेकंड पॉइंट पे आ जाओ एंट्रेंस फीस एडमिशन फी एंड जनरल एज रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये रेकरिंग मानेंगे इसको इनकम मानेंगे उसको बैलेंस शीट में एसेट में नहीं ऐड करेंगे यानी जो एनसीआरटी में गिवन है वो नहीं करेंगे तो आपको ये बताने के लिए वीडियो काफी है कि कई बार हम दोनों एक पॉइंट पे सहमत होते हैं कई बार हम सहमत नहीं होते कई बार सिर्फ सी की चलेगी कई बार सिर्फ एन की चलेगी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं लेके आऊँगा आपको इन वीडियोज़ में अगर अच्छे लग रहे हैं कॉन्सेप्ट लग रही है और बात सेंस की लग रही है तो थम्सअप तो आप कर चुके होंगे और सब्सक्राइब आपने पहले किया हुआ है नहीं किया तो आज करेंगे मुझे पता है और कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे और जो अभी तक जिनको मूड नहीं बन पा रहा जो अभी तक उनको फीलिंग नहीं आ रही इस चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा हैव ट्रस्ट एंड फेथ एंड तक आते आते आप भी हमसे प्यार कर बैठेंगे बिकॉज हम है चीज ही ऐसी तो कहना चाहूंगा मिलेंगे अगले वीडियो में बट उसके लिए कहना चाहूंगा यह था हमारा एक और ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज क्या थी कि एंट्रेंस फीस का जो हमें ट्रीटमेंट करना है वो करना है जो सीबीएसई चाहती है सीबीएसई चाहती है एंट्रेंस फी एडमिशन फीस और जनरल डोनेशन को इनकम माने और इसके अलावा बाकी कुछ है इससे विपरीत है कुछ लिखा हुआ है स्पेशल यूज के लिए आई है है या नॉन तो उसको हम कैपिटल मानेंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करेंगे आई होप यू आर ऑल दिस वीडियोस एंड मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं ये वीडियो आपके लिए बनाने के लिए लेकिन इट्स लाइक अ पार्टनरशिप जितना आप मोटिवेट करेंगे मैं उतना और मोटिवेट हूँ आगे बनाने के लिए तो मिलते हैं अगले और एक और अच्छे वीडियो में बड़े खुलासे के साथ बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ तब तक बनी रहेगा और जल्दी ही मिलते हैं एंड टेक केयर ध्यान रखिए सुरक्षित रहिए घर पर रहिए मास्क जरूर पहन के रखिए फाइन और डिस्टेंस तो आपको बनानी ही है हमसे नहीं आपस में फाइन टेक केयर बाय गॉड ब्लेस यू ऑल